नमस्कार, ये तो साफ है कि महाराष्ट्र की जनता ने ना ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया और ना ही शिवसेना को सरकार बनाने का जनादेश महाराष्ट्र की जनता ने दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने ही दुश्मनों के सामने घुटने टेक कर अपनी साथी बीजेपी को धोखा दिया और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एवं कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी से हाथ मिला करके एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार बना ली। फिलहाल देश में फर्जी किसान आंदोलन को लेकर के कुछ लोग फुदक रहे हैं कि जनता के आंदोलन की आजादी को मोदी सरकार दबा रही है और अपने विरोधियों के साथ मोदी सरकार ये कर रही है वो कर रही है, और ऐसा बोलने वाला और कोई नहीं है बल्कि कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष है जिसमें एक नाम शिवसेना का भी है। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार की गुंडागर्दी के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मोदी सरकार के विरोध में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वाली उद्धव सरकार खुद किस तरह से महाराष्ट्र में तानाशाही रवैया अपना करके अपने विरोधियों की आवाज को दबा रही है। वैसे तो कंगना रनौत का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच हो, अर्नब गोस्वामी का मामला हो और जिस तरह से पालघर में साधुओं की मोबलिचिंग हो, इन मामलों में उद्धव सरकार के तानाशाही रवैये को देश देख चुका है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़ा खुलासा हुआ है उससे शिवसेना एक्सपोज होती हुई साफ दिखाई दे रही है। दरअसल पिछले दिनों ही महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में 20,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला सामने आया था। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इसके बारे में जानकारी भी दी थी। इस रोशनी घोटाले के खुलासे बाद महाराष्ट्र की जनता 5 से 6 गुना ज्यादा बिजली बिल पे कर रही थी जो उद्धव सरकार द्वारा जनता पर थोपा जा रहा था। इसी सिलसिले में बिजली कंपनियों का विरोध कर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच उद्धव ठाकरे के नुमाइंदों ने हिंदुत्व की विचारधारा का गला घोंटकर एवं राजनीति की सभी सीमाओं को लांघते हुए महाराष्ट्र को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दे दिया। सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध ली है कि उनकी पार्टी और सरकार की आलोचना उनसे सहन नहीं होती है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा रखने वाली शिवसेना अब पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है, जिससे अब महाराष्ट्र की जनता सोचने के लिए मजबूर हो गई है कि राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए क्या उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ठीक था या फिर गलत। वैसे तो बिन बुलाए मेहमान थे क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा और सिर्फ 7 सीटों पर लगभग जीत शिवसेना को मिली थी 56 सीटों पर। ऐसे में ना ही तो जनादेश उद्धव ठाकरे को दिया गया सरकार बनाने का और ना ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने का जनादेश जनता ने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस के घुटनों में गिर करके उद्धव ठाकरे ने सीएम गद्दी को हासिल किया था। अब उद्धव ठाकरे के नुमाइंदों की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिस पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार को शर्म आनी चाहिए, लेकिन उद्धव सरकार को शिव सैनिकों की इस करतूत पर गर्व महसूस हो रहा है। दरअसल पंढरपुर में बीजेपी बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। इसके तहत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी MSEBCL के दफ्तरों का भाजपा ने घेराव किया। इस आंदोलन में भाजपा नेता शिरीष कटेगर भी शामिल थे जो पार्टी के लिए उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। इसी दौरान उन्होंने अपना भाषण देते हुए उद्धव सरकार पर आरोप लगाया कि जब से महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ है तभी से उद्धव ठाकरे घर में ही बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, जनता के बारे में सोचते नहीं, जनता की आवाज नहीं सुनते, जनता क्या चाहती है इसके बारे में ध्यान नहीं देते। इस तरह की बात उनकी तरफ से बोलने की ही देरी थी, बस इतना कहने भर की देरी थी कि कुछ शिव सैनिक आंदोलन स्थल पर पहुंचे और बीजेपी नेता के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे के नुमाइंदों ने भाजपा नेता के चेहरे पर कालिक भी पोत दी और भाजपा नेता को साड़ी पहना करके उनकी नुमाइश तक शिव सैनिकों ने लगाई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें उद्धव की पुलिस का एक नुमाइंदा भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे के नुमाइंदे
भाजपा नेता के साथ सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और महाराष्ट्र पुलिस मूक दर्शक बन सारा नजारा देख रही है। लेकिन इस पूरे मामले में हद तो तब हो गई जब शिवसेना के बोंबू सामना में इस पूरी घटना को गर्व के साथ पेश किया गया। इस पूरे मामले पर शिवसेना के एक भी नेता का कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है, जिसके मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि शिवसेना की सरकार शिवसैनिकों की इस गुंडागर्दी का समर्थन कर रही है और दूसरा ये कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का डर उनके नेता, मंत्री और विधायकों में है, जिसके कारण इस घटना पर शिवसैनिकों का विरोध करने वाला सवाल तो पैदा ही नहीं होता। लेकिन शिवसेना की इस गुंडागर्दी को महाराष्ट्र की जनता बखूबी देख रही है और इसका नतीजा अगले किसी भी चुनाव में देखा जा सकता है। जिस तरह से शिवसैनिकों की ये गुंडागर्दी सामने आई और उसके बाद शिवसेना के बोंबू सामना में इस गुंडागर्दी को गर्व के साथ पेश किया गया, उससे महाराष्ट्र शर्मसार होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। सिर्फ शर्मसार करने वाली शिवसेना की घटना यही नहीं है, इसके अलावा उद्धव सरकार ने देशभक्तों के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए हैं। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर के साथ अक्षय कुमार जैसे देशभक्त इसमें शामिल हैं, जिन्होंने फर्जी किसान आंदोलन के नाम पर काम कर रही विदेशी ताकतों के खिलाफ देश को एकजुट रहने का संदेश दिया था और यही इन्होंने गलती कर दी, क्योंकि ये भूल गए थे कि उद्धव सरकार में कांग्रेस भी शामिल है और सोनिया सेना के चेले चपाटों के खिलाफ आवाज उठाने का काम देश के इन सितारों ने कर डाला और वो भी महाराष्ट्र में रहते हुए। मजे की बात देखिए, जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कोरोना को लेकर के 15 दिन स्वेल्प क्वारंटीन में जाते हैं तो कांग्रेसी नेताओं के डेलीगेशन से गृह मंत्री वीडियो कॉल के जरिए एक बैठक करते हैं और इस मीटिंग के खत्म होते ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने देशभक्त सितारों के खिलाफ जांच का आदेश सुना दिया। देशभक्ति वाले ट्वीट की जांच महाराष्ट्र की खुफिया पुलिस करेगी कि कहीं ये देशभक्ति वाले ट्वीट मोदी सरकार के दबाव में तो नहीं किए गए हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि शर्मसार महाराष्ट्र को करने वाली घटना पहले भी शिवसैनिक कर चुके और ऊपर से उद्धव सरकार द्वारा इस तरह से देशभक्ति के मामलों पर जांच बिठाना ये कहां तक सही है। अब तो हर एक सच्चे हिंदुस्तानी को एक तरह से शर्म आती है उद्धव ठाकरे और शिवसेना का नाम अपनी जुबान पर लाने में, क्योंकि सत्ता के नशे में उद्धव ठाकरे देशभक्ति को बुला करके आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों की मिट्टी प्लेत कर चुके हैं। बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों को कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे बुला चुके हैं और ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की सोनिया सेना बन चुकी है। अब जिस तरह से महाराष्ट्र में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी सामने आ रही है और देशभक्तों पर जिस तरह से कार्रवाई करने का काम उद्धव सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है और ऐसा करने से क्या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी उनके हाथों में बची रहेगी? क्या इस तानाशाही को महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त करेगी? क्या अगले किसी चुनाव में उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से मुंह दिखाने लायक जो परिणाम मिलेंगे किसी चुनाव परिणाम के? और ऐसे में उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी को लेकर के कांग्रेस भी काफी खपा है। कांग्रेस के नेता भी कई तरह की चिट्ठियां सोनिया गांधी को लिख चुके हैं। ऐसे कई बड़े सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति में उठने लगे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे सिर्फ सोनिया गांधी को खुश करने के लिए और कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं? कुल मिलाकर के ये साफ हो चुका है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के इशारे पर उद्धव ठाकरे ने जो कदम उठाया है उससे शिवसेना को सत्ता तो हासिल हुई है लेकिन शिवसेना का पूरी तरह से दी एंड हो जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।